हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज क्लास 11 का अगला टॉपिक लेकर के आया हूं जो आपके लिए होने वाला है इम्पॉर्टेंट। तो बने रहिए अंत तक, समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी है। जैसा मैंने पिछले हर एक वीडियो में एक एग्जांपल के तौर पर समझाने का कोशिश किया, आज भी मैं कुछ वैसा ही करने वाला हूं। आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आएगा, सिर्फ बने रहिए अंत तक। ठीक है, देखिए मान लिया जाए यहाँ पर एक कोई पॉइंट है इन्फिनिटी से। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी में, ये कोई पार्टिकल है इन्फिनिटी में। इसको अगर हम लोग अर्थ के किसी भी, अर्थ सरफेस के किसी भी पॉइंट पर हम लोगों को लाना है, तो यहाँ से इन्फिनिटी से जो इस पॉइंट तक आने में हम लोगों को वर्क करना पड़ेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, कोई पार्टिकल है, कुछ भी है, उसको हमको इन्फिनिटी से उठा करके अगर सरफेस है, अर्थ सरफेस के किसी पॉइंट, फिक्स पॉइंट पर लाना है, तो इसमें किया गया वर्क डन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी बात है, आप लोगों को समझ में आया होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं। इन्फिनिटी से लेकर के कोई भी पॉइंट, इन्फिनिटी से उठा करके कोई भी पॉइंट को अर्थ के सरफेस पर अगर हमको लाना है किसी फिक्स पॉइंट पर, तो यहाँ पर जो हम लोगों को अगर कोई इन्फिनिटी में है तो उसको उठा करके लाने में कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ तो एनर्जी लगेगा। उसी एनर्जी को या उसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हो गया इसका डिफिनेशन। ठीक है, चलिए पहले इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, फिर समझने का एक बार कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ गिवेन मास इज डिफाइंड एज। ठीक है, द वर्क डन, इसका डिफिनेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, द वर्क डन, इसको हम लोग समझेंगे अभी, इज मूविंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इट इज डिनोटेड एज वी। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आएगा कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी मैं बताने वाला हूं। ठीक है, बाय आर स्क्वायर। चलिए अब पहले हम लोग इस डिफिनेशन को समझते हैं। ठीक है, the gravitational potential at a point in a gravitational field of a given mass is defined as। अगर आप लोग नहीं लिखना चाहते हो इतना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आंसर को लॉन्ग बनाना है तो यहाँ तक आप लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, the gravitational potential at a point in a gravitational field of a given mass is defined as। ये अगर आप लोग लिखना चाहो तो आप लोगों को लाइन बढ़ाने के लिए या फिर लिखने का एक प्रोसेस होता है जिसके तहत यहाँ तक आप लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर नहीं लिखना चाहते हो, नहीं याद रहता है, तो क्या करना है कि यहाँ से डिफिनेशन लिखना है। ठीक है, द वर्क डन इज मूविंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को, कोई बॉडी को अगर इन्फिनिटी से उठा करके अगर हम अपने अर्थ सरफेस पर, इस अर्थ सरफेस पर ला रहे हैं, तो इसमें से कुछ हमको वर्क करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा, तभी तो इन्फिनिटी से कोई पॉइंट आपके अर्थ पर आएगा। तो यहाँ पर जो वर्क डन हम लोग लगाएंगे, उसी वर्क डन को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इन्फिनिटी से कोई पॉइंट को उठा करके हम लोग अर्थ सरफेस पर लाएंगे, तो उसी को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसमें जो वर्क लगेगा, जो एनर्जी खर्च होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सिंपल सी बात थी, आप लोग के समझ में आ गया। देखिए, इट इज डिनोटेड एज वी, क्योंकि हम लोग पोटेंशियल को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? वी से डिनोट करते हैं। वी इक्वल टू माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ माइनस, इसमें इससे पहले जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, यहाँ पर माइनस नहीं था, तो यहाँ माइनस क्यों लगाएं? क्योंकि ये इन्फिनिटी में था। ठीक है, इन्फिनिटी से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को या फिर कोई बॉडी को उठा करके हम लोग अर्थ सरफेस पर ला रहे हैं। ठीक है,
चलिए ये इन्फिनिटी तक के लिए यहाँ तक आप लोग का डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका आगे सॉल्यूशन। यहाँ तक मैं रफ करता हूँ, जो बच्चे नहीं लिखे हैं इसको रफ कर सकते हैं और ही स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग लिख भी सकते हो। राइट डाउन करते चलोगे तो ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा होगा, है ना। चलिए यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा डिफिनेशन, समझ में आया होगा। चलिए फॉर दी अर्थ हम लोग कौन सा फॉर्मूला लिखे थे, वी इक्वल टू माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग वन कर देते जो भी हम लोगों ने लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए फॉर दी अर्थ जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठा करके अर्थ मिलाएंगे तब क्या होगा, जो स्मॉल जी है उसका मान हम लोग कैपिटल एम, जो स्मॉल एम है उसको हम लोग कैपिटल एम लिखेंगे, ठीक है, और जो आर है वो आर को हम लोग क्या करेंगे कि कैपिटल आर लिखेंगे, ठीक है। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए जी क्या है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है आपका, और यहाँ से जब स्मॉल जी का वैल्यू क्या हो गया कैपिटल एम, स्मॉल एम का वैल्यू क्या हो गया कैपिटल एम, और यहाँ से आर स्क्वायर जहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ आप लोग इसको भी घेर सकते हो, है ना। चलिए अब इसके आगे हम लोग जो फॉर्मूला कभी कभी आप लोगों को पूछा जाता है, ठीक है, एट अ हाइट एच एबव द सरफेस, सरफेस के हाइट के एबव जब होगा तब हम लोग क्या करेंगे ऑफ अर्थ तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस जी और यहाँ पर m बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला आप लोगों को कभी कभी देखने को मिलेगा, जब आपका अर्थ सरफेस से क्या होगा एवव होगा तो उसका हाइट हम लोग क्या मेजर कर लेंगे एच मेजर कर लेंगे, ठीक है। ये अभी तक का जितना भी मैंने बताया समझ में आया होगा, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद फॉर दी अर्थ जब अर्थ में होगा तो स्मॉल एम का वैल्यू जो होगा वो कैपिटल एम हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ जो स्मॉल आर का वैल्यू है उसको हम लोग कैपिटल आर सपोज कर लिए, ठीक है। तो वी इक्वल टू माइनस जी एम बाय आर स्क्वायर एट अ हाइट एच एबव द सरफेस ऑफ अर्थ, जब अर्थ सरफेस के एबव में होगा तो उसका हाइट हम लोग कुछ एच सपोज कर लिए, तो यहाँ से वी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस जी एम बाय कैपिटल आर बाय प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि जब अर्थ सरफेस के एबव था तो आपको आर प्लस एच। अभी जब न्यूमेरिकल आप लोग बनाओगे ये फॉर्मूला का सारा का यूज होगा जब न्यूमेरिकल आप लोग बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है ये फॉर्मूला जब अर्थ सरफेस से एबव हो, जब अर्थ सरफेस से एबव हो तब हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना है, और जब अर्थ सरफेस पर हो तो ये फॉर्मूला को हम लोग यूज करना है या फिर ये फॉर्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे नए हैं वो मेरे वीडियो को शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि और भी बच्चे जो हैं वो आसानी से पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।